हमारा आज का वीडियो ये हमारा जो जीके सीरीज है उसका लेक्चर नंबर थर्ड है दो लेक्चर हमारे ऑलरेडी कवर हो गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें मैंने आपको सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारा क्लियर कराया हुआ है तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वीडियो रहेगा उसमें हमें बस फैक्ट्स देखने हैं जो अगेन आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा चीजें इम्पोर्टेंट है आपको याद करनी है तो इसीलिए पहले जो पहले दो लेक्चर्स है वो मैं इसीलिए लेके आई थी ताकि आपका थोड़ा कंफर्ट बढ़ जाए कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक से अदरवाइज डायरेक्टली इफ़ यू हैव जंप्ड टू दिस फैक्ट्स मेमोराइजेशन तो उससे क्या हो जाता इंसान बोर हो जाता है एंड देंड फैक्ट्स आप याद नहीं रख पाओगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना हुए हो तो इफ़ यू वॉन्ट पी डी एफ ऑफ माई वीडियोज़ उसके लिए आपको क्या करना होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा मेरा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो वहाँ पे लिंक है ये बार बार हर वीडियो में बोलने के बावजूद आप अलग से कमेंट करते हो कि मैम मुझे लिंक भेजो कि आप एटलीस्ट इतने प्रोएक्टिव रहो मैं जो बोल रही हूँ वो चीज सुनो ध्यान से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे मैं पीडीएफ टेस्ट सीरीज और आपका जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है उसके सारे पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड करती हूँ वो पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है यूनिट फोर करंटली चल रहा है हमारा वहाँ पे ठीक है तो वो वाला सीरीज भी आपकी साथ साथ चल रही है तो दिस इज माई प्रोफाइल दिस इज मी कुरत मलिक इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशलॉजी यू जी सी नेट सोशलॉजी आईव गॉट सिक्स प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड मैंने पढ़ाया हुआ है स्टडी आई क्यू एन अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ से आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फैक्ट से जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ये पहली बार किसने सामने रखा था एम एन रॉय ने ये आपको नाम याद रखने हैं अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होता है ये सारे जो है कॉन्सेप्ट देखने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा लेक्चर नंबर वन एंड टू उसमें मैंने सारी चीजें जो है डिटेल में एक्सप्लेन करी है तो इस लेक्चर को मैं उतना लंबा नहीं रखूंगी इसमें बस हम फैक्ट्स देखेंगे जो कॉन्स्टर्ट असेंबली है वो रिकमेंड की थी कैबिनेट मिशन प्लान ने अब देखो जब हम हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे हमारे जीके का तो उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आज़ादी से पहले क्या हुआ था अलग अलग प्लान आए थे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आए थे वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स भेजते थे वहां से ताकि कोई एक चीज़ जो है उस पर जो इंडियन हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे इंडियन लीडर्स थे वो उस पर अग्री करें एंड वो फाइनली हमें बता सकें कि वो आज़ादी जो है हमारे हमें किस लाइन्स पर मिलने वाली है तो हर कोई अपने अलग अलग प्रपोजल लेके आया था अलग अलग कमेटी अलग अलग प्रपोजल लेके आई थी वैसे ही एक थी आपकी कैबिनेट मिशन प्लान ये हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम करेंगे कवर जिसने आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो रेकमेंड किया था जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे असेंबली के डॉक्टर सचेंद्र प्रसाद सिन्हा प्रे... प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली कौन थे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट एचसी मुखर्जी एंड वी टी कृष्ण एलिफेंट जो है उसको बनाया गया था एज अ सिंबल ऑफ कॉन्टीट्यूट असेंबली एंड सर बी एन राव जो थेगल एडवाइजर टू थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट असेंब्ली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ठीक है ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर है मैंने आपको इन डिटेल हमने सारी चीजें डिस्कस करी है सेक्रेटरी कौन थे आपके असेंब्ली के एच वी आर अयंगर ग्राफ्टमैन थे एस एन मुखर्जी कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एंड कैलीग्राफर हिंदी वर्जन के कौन थे वसंत कृष्ण एंड उनको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने जो कि एक पेंटर थे ठीक है तो ये सारे नाम जो है वो आप याद रखोगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या था ये प्रीकर्सर टू प्रियम्बल था तो प्रियम्बल बनाने से पहले एक डॉक्यूमेंट आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको मूव किया था इस रेजोल्यूशन वॉज मूव बाय जवाहरलाल नेहरू इन असेंबली ऑन थर्टीन ऑफ डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स और इसको एडॉप्ट रेजोल्यूशन मूव किया गया था दैट मीन ये सामने इट वॉज पुट फॉरवर्ड एंड उसको अडॉप्ट किया गया था ऑन ट्वेंटी सेकेंड जनवरी नाइनटीन फोर्टी सेवन ये डेट याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो बेसिकली इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन था वो बाद में जाके आपका प्रीएम्बल बना था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको बस यही देखना है इसका जो मॉडिफाइड वर्जन था बाद में वो प्रियम्बल बना था तो इसमें वही सारी बातें की गई थी जो उसको बाद में आपने किसमें और प्रेजेंट किया था अपने प्रियम्बल में इसने प्रोक्लेम किया था इंडिया को एज इंडिपेंडेंट सोवेरियन एंड रिपब्लिक ठीक है ये तीन चीजें आप याद रखोगे यानी डेट ऑफ एडॉपशन का एंड किसने प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ये कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लो ये इलेवन सेशंस हुए थे इसके ओवर टू इयर्स टू ईयर्स इलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज दैट मीन्स इन द पीरियड ऑफ टू ईयर्स इलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज ये कितनी बार मिली थी मीटिंग कितनी बार हुई थी इलेवन टाइम्स ठीक है और इतना टाइम लगा था आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे अब कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था जैसे आपका फंडामेंटल राइट right है या उसमें डीपीएसपी आता है फंडामेंटल ड्यूटीज आता है सारे जो थे वो बनाने के लिए जो मेकर्स हैं उन्होंने क्या किया था उन्होंने सिक्सटी कंट्रीज अलग अलग उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखा था एंड जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था उनके पॉइंट्स उन्होंने बाद में यूज़ किए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट उन्होंने कहीं देखा है फंडामेंटल ड्यूटी तो वही सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ पे लाई थी फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को कंसल्ट किया था उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं किया था फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की थी अपनी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेकिन उसको बोरो किया था सिक्सटी कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन को तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इट वॉज कंसिडर्ड जब आपका फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने टाइम तक के लिए कंसिडर किया गया था वन हंड्रेड एंड फोर्टीन डेज के लिए और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सिक्सटी फोर लाख रुपीज ठीक है फिर ट्वेंटी फोर जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फाइनल मीटिंग हुई थी दैट इज फाइनल सेशन ठीक है और इट हाव एवट इट नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया

इसकी काफी कमिटीज हैं मेजर भी है माइनर भी है माइनर मैंने इंक्लूड नहीं की वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या करोगे मेजर कमिटीज जो है वो पढ़ोगे एंड वो उसका चेयरमैन कौन था वो नाम आपको याद रखने ठीक है थीके? यही छह सात कमिटीज हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो है वो आपकी ड्राफ्टिंग कमिटी है इसको थोड़ा आपको डिटेल में याद रखना होगा और तो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही was also known as फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता था मनु अकॉर्डिंग टू Hinduism बिलीफ उनको पहला इंसान बोला जाता है इस दुनिया का मनु इन्होंने लिखी थी मनु स्मृति एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रिलीजन जस्टिस ठीक है ये सारी चीजें लॉ ये सारी चीजें जो है वो मैंशन है तो इनको मॉडर्न मनु बोला जाता है कि मनु की तरह इन्होंने मॉडर्न टाइम में क्या किया एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट करने में हेल्प करी तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो मैंने आपको कहा थोड़ा डिटेल में हमें देखना है सेटअप ऑन ट्वेंटी सेवन ये उसके मेंबर्स में इनके नाम आपको याद रखने हैं बी आर अम्बेदकर गोपाल स्वामी अयंगर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुंशी सादुल्ला और डॉक्टर एन माधव राव एंड कृष्ण इन लोगों ने रिप्लेस किया था माधव राव ने रिप्लेस किया था मित्र को एंड कृष्ण ने रिप्लेस किया था डी पी खैतान को अब ये चीजें देख लो आगे को adopt किया था नाइन जिसको सेलिब्रेट करते हैं इस ये आपको पहले बताया है इसमें आपको एक प्रीएम्बल मिलेगा थ्री नाइन आर्टिकल्स मिलेंगे एंड एट शेड्यूल ये वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको इस दिन अडोप्ट किया गया फिर इसमें मॉडिफिकेशन आए करंटली हमारे पास फोर आर्टिकल्स है जिनको ट्वेंटी फाइव में डिवाइड किया गया है एंड बारह शेड्यूल्स में वो बारह शेड्यूल्स क्या है वो हम देखेंगे ट्वेंटी फाइव पार्ट हमें डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है वो सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है जैसे पार्ट थर्ड जो है आपका वो डील करता है आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ ठीक है एंड पार्ट फोर आपका है आप डी पी एस पी वो भी आपके सिलेबस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड पार्ट फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट फोर ए उसमें आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपको सिर्फ यही पार्ट्स याद रखने हैं बाकी ट्वेल्थ शेड्यूल्स हम देखेंगे एंड फोर फोर्टी एट आर्टिकल्स वो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है इसको अडॉप्ट किया था इस दिन केम इंटू फोर्स ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी अब 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन 1930 के दिन 26 जनवरी को कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जो कहाँ पे हुआ था लाहौर में दिस मीनस कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी लाहौर में जिसको बोला जाता है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जिस जगह वो मीटिंग हुई होती है ना वो मीटिंग उसी जगह के नाम से ना जानी जाती है जैसे अगर सूरत में मीटिंग हुई होगी तो सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस बोलेंगे ठीक है कैलकटा में होती है तो कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस अकॉर्डिंगली लाहौर सेशन में क्या हुई थी एक मीटिंग जहां पे डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस कि हमें पूरी आजादी दे दो ब्रिटिशर्स से उससे पहले क्या बोला जाता था हमें सेल्फ रूल दो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम आपके अंडर ही रहेंगे लेकिन इंडियंस को ये पावर दे दो वो अपनी गवर्नमेंट वगैरह खुद फॉर्म करें और अपने आप पे खुद रूल करें आप बेसिक आप बेशक चाहे हम पे ओवर रूल आप ही करो लेकिन पूर्ण स्वराज उस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं आप यहाँ से दफा हो जाओ हमें कंप्लीट फ्रीडम दे दो इसीलिए ट्वेंटी सिक्स जनवरी को चूज किया था उन्होंने इसको फोर्स में लाने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करंटली इसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी अब थोड़ा तो हम शेड्यूल्स देख लेते हैं आठ क्योंकि आठ ही शेड्यूल्स है, हैं सॉरी बारह ही शेड्यूल्स हैं तो आपको आ, क्या करना होगा है? देखना होगा बाकी पार्ट्स वगैरह आपको याद नहीं करने हैं आर्टिकल्स भी ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं उतने ही करने हैं जितने आपके पार्ट्स में आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में नेम्स हैं सेकेंड शेड्यूल में नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज सेकेंड शेड्यूल डील्स विद सैलरीज वगैरह ठीक है आपके एम पीज़ एम की थर्ड शेड्यूल में उनकी ओथ एंड एफर्मेशन फोर्थ शेड्यूल में कि कितनी सीट्स एलोकेट होनी चाहिए कितनी सीट्स मिलनी चाहिए राज्यसभा में आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फिफ्थ शेड्यूल कहता है एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज शेड्यूल ट्राइब्स का सिक्स शेड्यूल कहते हैं ट्राइबल एरियाज का पे सिर्फ एम एम टी ऐसे भी इसको याद रख सकते हो ए टी एम एम ठीक है या कुछ भी करके आप इसको याद रख सकते हो माता याद रख सकते हो एम एम ए टी मैट करके फाइन तो इसमें कौन कौन से आती है आपकी आसाम मेघालिया त्रिपुरा एंड मिजोरम सेवेंथ शेड्यूल में क्या किया डिविजन ऑफ पावर किया बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट अब देखो क्या होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट जैसे आपके एग्रीकल्चर है लॉ एंड ऑर्डर है ठीक है एजुकेशन है जिसपे गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट लिस्ट में दैट मीन कोई सब्जेक्ट्स है उस पर सेंटर लिस्ट बना सकती है कोई सब्जेक्ट है उसपे स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है एंड कोई सब्जेक्ट है जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं आपका सेंटर भी एंड आपका स्टेट भी उनको रखा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में तो यूनियन लिस्ट में आपके 97 सब्जेक्ट्स आते हैं स्टेट लिस्ट में आपके 66 सब्जेक्ट्स आते हैं एंड कॉन्करेंट लिस्ट में आपके 47 सब्जेक्ट्स आते हैं ठीक है तो ये आपको बस याद रखना है कि सेवन्थ शेड्यूल में ये पावर डिवाइड किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लिस्ट डिवाइड की गई है कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आएंगे कौन से सब्जेक्ट्स सेंटर लिस्ट में स्टेट लिस्ट में आएंगे एंड कौन से सब्जेक्ट्स आपके कॉन्ट लिस्ट में आएंगे एट्थ शेड्यूल में जो ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस हैं जिसको रिकग्नाइज किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है उसमें कश्मीरी भी आता है एंड आपका डोगरी भी आता है ठीक है नाइन्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू एर लैंड टेन्योर ठीक है और इसके लिए कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 इससे इन्होंने क्या कहा था जो राइट टू प्रॉपर्टी है पहले ये एक फंडामेंटल राइट right था बाद में इसको अबॉलिश किया गया था कि अभी फंडामेंटल राइट right नहीं है ये एक नॉर्मल राइट नॉर्मल आर्टिकल के अंडर इसको पुट किया गया था इसको एक लीगल राइट right बनाया गया था एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट टेंथ शेड्यूल में है डिस्कवालिफिकेशन के प्रोविजन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन और ये लाया गया था फिफ्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी फाइव से डिटेल तो में तो नहीं पढ़ना डिफेक्शन क्या होता है बस इसका मीनिंग समझ लो अगर कोई लीडर क्या करता है अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है विदाउट एनी रेजिग्नेशन या वो मिसबिहेव या ऑब्जेक्टिव नहीं मानेगा जो आपके पार्टी लीडर ने आपको डायरेक्टिव दिए होंगे कि आपको ये चीजें माननी है उसमें वो डिसोबे करेगा पार्टी लीडर की बात नहीं सुनेगा ठीक है तो उसको बोलते हैं दैट अमाउंट्स डिफेक्शन और उस बात पे उसको डिसक्वालिफाई किया जा सकता है एंड ये किसे लाया था फोर्ट फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हो टेंथ शेड्यूल है एंड अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है फाइव इंटू टू फाइव टूज टेन तो ऐसे करके आपको याद रहेगा इलेवेंथ शेड्यूल बात करते हैं पंचायती राज की एंड ट्वेल्थ शेड्यूल में बात होती है आपके मुंसिपल कॉरपोरेशन की जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं एंड पंचायती राज इज योर रूरल लोकल बॉडी तो ये लाया था सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट से एंड ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये लाया था सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट से अब ये देख लो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है आपके कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन uh, से हमने कौन कौन सा प्रोविजन जो है वो बोरो किया है इफ़ यू हैव टाइम आप ये सारा पढ़ लो अदरवाइज एटलीस्ट जो आपके सिलेबस की चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं आपके सिलेबस में फंडामेंटल राइट्स आता है वो लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आपके इसमें आता है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है एंड आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो लिया है आपके सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज योर यूएसएसआर नाउ रशिया वो इस एटलीस्ट ये तीन जो है आपको याद रखने होंगे जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है वो हमने किस वाले कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है एंड प्रियम्बल भी आपके सिलेबस का पार्ट है तो जो रिपब्लिक uh, है प्रियम में प्रियम्बल में रिटर्न रिपब्लिक वर्ड एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वो हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है तो ये तीन चार कॉन्स्टिट्यूशन आप याद रखो अगर आप सारा भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था इस डेट पे नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हमारा नेशनल एंथम क्या है एंड हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रीएम्बल ये अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स देखे अब कुछ प्रीएम्बल के देखते हैं <coughs> तो प्रीएम्बल के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठा था इस प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है क्योंकि प्रीएम्बल क्या है जैसे मैंने आपको कहा बुक का जो कोई प्रीफेस होता है स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है जिसमें एसेंस होगी उस बुक की वैसे ही प्रियम्बल में क्या है एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन क्या हम इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे कि नहीं तो इसके साथ आपको केसेस याद रखने हैं कम ही है ज़्यादा नहीं है फॉलोइंग केसेस जो इस क्वेश्चन को डील करते हैं एक है बेरोबेरी केस इसमें कहा गया था कि नहीं इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि आपका प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है ठीक है जो प्रीएम्बल है ये आपका दिखाता है जनरल पर्पस फॉर विच दे मेड द सेवरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरल बातें करता है जनरल पर्पस के लिए बनाया था ये कंसिडर नहीं होता है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसमें कहा था केस में फिर एक क्वेश्चन आया था इस प्रीएम्बल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें हैं जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते मॉडिफाई नहीं कर सकते और वो जो कुछ चीजें हैं वो फॉल करती हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ट्वेंटी वन आपको देता है राइट टू लाइफ तो वो राइट टू लाइफ आप किसी भी सिटीजन से नहीं ले सकते क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का तो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें वो लिस्ट ऑफ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो जान है कॉन्स्टिट्यूशन की जिनको आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो ठीक है और वो क्या क्या चीजें हैं वो एक अनएंडिंग लिस्ट है उसमें वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेशन लाते रहते हैं इसीलिए एग्जाम के लिए आपको वो लिस्ट याद नहीं करनी है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी वो आती है अब ये जो टर्म है बेसिक स्ट्रक्चर ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एम के नाम्बियार ने इन गोला गोलकनाथ केस ठीक है ये भी नाम याद रख लेना कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन इसको बाद में बेसिक कंस्ट्रक्शन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो सारी इन डिटेल हमें बातें बताई गई थी केशव नंदा केस में केशव नंदा केस ठीक है तो होता क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ये एक डॉक्ट्रीन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन क्या है ये एक इंडियन जुडिशल प्रिंसिपल है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सर्टन बेसिक फीचर विच नॉट बी अमेंडेड एंड ऑल्टर्ड कुछ बेसिक फीचर्स हैं ऑल्दो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पार्ट अमेंड करते हैं ठीक है जैसे आपका राइट टू लाइफ आपको आर्टिकल ट्वेंटी है उसको हमने अमेंड किया आर्टिकल ट्वेंटी वन एड किया जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन एड किया ठीक है ऐसे काफी अमेंडमेंट जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लाते हैं कुछ उसमें हम चीजें ऐड करते हैं कुछ चीजें हम उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन जो बेसिक फीचर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो वही बोलता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन फिर केशव भारती केस में कुछ और बातें सामने आई थी उन्होंने कहा था पार्लियामेंट कोई भी अमेंड कर सकता है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी ना करे ठीक है और इसी केस में कहा था जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ पार्ट ही नहीं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट मीन्स ऑल ये पार्ट है आप इसको अमेंड कर सकते हो लेकिन आप इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो इसका जो एसेंस है प्रीएम्बल का वो ले ले ठीक है इट प्लेज अ रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन आपका प्रियम्बल और यही चीज एल आई सी इंडिया में भी कही थी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसमें कहा था बेरो केस में फिर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसमें कहा था केशन नंदा भारती केस में एंड यही बात किसमें रिपीट की थी आपके एल इंडिया केस में ठीक है और केशन नंदा भारती केस में क्या बात कही गई थी आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को जो है इलाबोरेट किया था केशन नंदा भारती केस में अब दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां आपको प्रियम्बल को याद रखनी है प्रियम्बल को लेके पहला कि प्रियम्बल जो है इट इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर फॉर एग्जाम्पल प्रि आपको कोई बातें बताता है प्रि आपको बोलता है इक्वालिटी है लिबर्टी है ठीक है फ्रेटर्निटी है ये सारी चीजें अब जब हम लॉ लेके आते हैं तो वो हमें प्री में मेंशन नहीं होता है फॉर एग्जांपल हमने लाया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 उससे हमने क्या किया राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट right बनाया और अमेंड किया आर्टिकल 21 को उसमें ऐड किया आर्टिकल 21 ए e. आर्टिकल ट्वेंटी वन ए आपके राइट टू एजुकेशन का है ठीक है और वो किस अमेंडमेंट से लाया था एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू से अब आपको ये क्या कहता है प्रीएम्बल में ऑल द इक्वालिटी थी जस्टिस था सोशल जस्टिस था इकोनॉमिक जस्टिस था लेकिन स्पेसिफिकली ये पावर नहीं दिया था लेजिस्लेचर को कि आप ये आर्ट ये एक्ट जो है वो लेके आओ और राइट टू तो एजुकेशन लेके आओ ठीक है वो जो लेजिस्चर का वो पावर था वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंशन था वो वहां से वो चीजें आती हैं प्रियांबल ने बस चीजें मैंशन की आपको वो सोर्स नहीं दिया ना ही प्रियाम्बल ने रोका आपको ये एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाने से दैट मीन्स ना ही इसने सोर्स दिया लेजिस्लेचर को ना ही इसने रोका लेजिस्लेचर को कोई भी लॉ बनाने से इसने बस आपको एक जनरल पिक्चर दी एक एसेंस बताया क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आगे का काम फिर आप खुद करते हो ये नॉन जस्टिसबल है स अगर आप इसका कोई भी प्रोविजन चाहते हो आपको लगे कि इसके प्रोविजन पे काम नहीं हो रहा है आप इस चीज को लेके कोर्ट में जाके दावा नहीं कर सकते हो ठीक है नॉन जस्टिसेबल है जैसे फंडामेंटल राइट right, अगर आपका कोई कर्ब करने की कोशिश करे कोई रोके आपको फंडामेंटल राइट एंजॉय करने से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस केस में सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो लेकिन उसको हम बोलते हैं जस्टिसेबल लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके प्रियम्पल में क्या है मैंशन सेक्युलर कि हम सेक्युलर हैं अगर आपको लगेगा कि हम जो है सेक्युलरिज्म पे कोई खतरा है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल राइट ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट दिया गया है कि आप अपना रिलीजन एंजॉय करो आप ये बोल सकते हो मेरे इस फंडामेंटल राइट right को खतरा पहुंच रहा है आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि प्रियम्पल में सेक्युलरिज्म मैंशनड है तो सेक्युलरिज्म को खतरा है इस पर कोई काम करो नहीं नॉन जस्टिसबल है आप कोई भी प्रोविजन उठा के प्रियम्बल का कोर्ट में नहीं जा सकते कि मुझे इक्वालिटी नहीं मिल रही है जबकि इक्वालिटी मुझे प्रियम्बल में दी गई है प्रियम्बल की चीजें बस आपको एक पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए है ना ही वो आपको सोर्स देगा पावर का लेजिस्लेचर को ना ही वो प्रोहिबिट करेगा लेजिस्लेचर को कोई लॉ लाने से ना ही आप उसके प्रोविजन को लेके कोर्ट में जा सकते हो कि इस प्रोविजन पे सही से काम नहीं हो रहा है तो बेसिकली अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना है कि जो फलानी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या बोल रही है उसके लिए आप प्रियम्बल को कंसल्ट कर सकते हो ये उसका काम है ये जो यहाँ पे तीनों चीजें लिखी हुई है सोर्स ऑफ पावर या प्रोहिबिशन ऑफ पावर या जस्टिस जस्टिसबल नॉन जस्टिसबल ये तीनों चीजें जो है ये प्रियम्बल नहीं करता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना ठीक है तो ये आपका हो गया केशवानंदा भारती केस में क्या बातें हुई थी इंपॉर्टेंट गोलकनाथ केस बेरुबरी केस फैक्ट्स प्रियम्बल के ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारह शेड्यूल मैंने आपको बताए ये कमिटीज आपको नाम याद करने हैं हाँ तो ये फैक्ट हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रियम्बल के अब हमारा रहता है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह तो वैसे ही चलेंगे पहले मैं आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगी एक लेक्चर में आपको वो समझ में आएगा उसके बाद फिर हम फैक्चुअल बेसिस पे याद रखेंगे एंड फंडामेंटल राइट्स को याद रखने की कुछ ट्रिक्स भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे